स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दे का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाएं बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। पहले जाने सुने आज की गपशप। केंद्रीय एजेंसियां अगस्ता वेस्टलैंड के कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल का दुबई से प्रत्यर्पण कराकर भारत ले आई। पिछले करीब एक महीने से मिशेल पर राजनीति हो रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनसभाओं में क्वात्रोची मामा और मिशेल अंकल का जिक्र किया और अब तो ईडी ने एक अदालत में बताया है कि मिशेल ने मिसेज गांधी का नाम लिया है और एक इटालियन महिला के बेटे का भी जिक्र किया जिसका नाम आर से शुरू होता है। मिशेल के बाद बताया जा रहा है कि भारत के बैंकों को 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चूना लगाकर फरार हुए हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकता है। चौकसी ने एंटीगा में शरण ली और केंद्रीय एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि एंटीगा की सरकार चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए तैयार हो गई और लोकसभा चुनाव से पहले चौकसी को भारत लाया जा सकता है। इसी तरह लंदन की निचली अदालत में केंद्रीय एजेंसियों ने विजय माल्या के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। माल्या ऊपर की अदालत में अपील कर रहे हैं पर एजेंसियों को भरोसा है कि उनका भी प्रत्यर्पण हो जाएगा। सो माल्या और मेहुल को भगाने का मुद्दा विपक्षी पार्टियों के हाथ से निकल सकता है। भारत के भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिम को लाना संभव नहीं हो पा रहा। तभी बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस केंद्र सरकार के सहयोग से दाऊद के भतीजे सुहेल कास्कर को अमेरिका से भारत लाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में संगम होगा और तभी यह चर्चा शुरू हो गई है कि संगम कैसा होगा। संगम में गंगा और यमुना की पहचान तो साफ पर सरस्वती कौन होगा? ध्यान रहे प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम होता है और सरस्वती विलुप्त होती है जिसका संगम जमीन के अंदर से होता है। तभी यह सवाल है कि क्या कांग्रेस का संगम सरस्वती की तरह होगा और वह अंदर अंदर से मिली होगी। अभी तक सपा और बसपा के नेताओं के बयानों से नहीं लगता है कि वे कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में शामिल करने के लिए तैयार है। वे कांग्रेस के लिए 2 सीट छोड़ने पर राजी है। दूसरी ओर कांग्रेस गठबंधन की बात तो कर रही है पर उसे कम से कम 10 सीटें चाहिए। तभी ऐसा लग रहा है कि सपा और बसपा के साथ उसकी कुछ सीटों पर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और उसका संगम पर्दे के पीछे ही रहेगा। कांग्रेस अपने दम पर 30 सीटों पर मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश और मायावती के संगम में राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह को जगह मिल सकती है। कांग्रेस और भाजपा दोनों गठबंधन सहयोगियों की मांग से परेशान है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अपना दल ने वाराणसी सहित 12 सीटों पर अपनी ताकत बताकर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि बाद में उसने कहा कि वाराणसी से चुनाव लड़ने का पार्टी का कोई इरादा नहीं है। इसी तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सहयोगी जेडीएस के नेता एसडी देवगौड़ा ने 28 में से 12 सीटों की मांग की है। यह अलग बात है कि पिछली बार उनकी पार्टी 2 ही सीट जीत पाई थी। हकीकत में भी 2 से 3 सीटों पर ही उनकी पार्टी की मजबूत पकड़ पर सीटों की कुछ संख्या बढ़ाने और मन के लायक सीटें लेने के लिए इतना बड़ा दावा किया गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के सहयोगी राजू शेट्टी ने 6 सीटों की मांग करके सबको चौंकाया है। उनकी पार्टी का आधार 1 सीट पर जिस पर वे खुद सांसद का चुनाव जीतते हैं। बिहार में जीतन राम मांझी ने तो पहले ही 40 में से 20 सीटों की मांग कर दी थी पर अब भी 4 से कम सीटों पर राजी नहीं हो रहे हैं। हालांकि उनकी पकड़ 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 6 सीटों की मांग कर रही है। पिछले चुनाव में भाजपा ने उसे 3 सीटें दी थी। यूट्यूब पर नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वहां जो घंटी बनी हुई है उसे दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।